ग्रुप या अनौपचारिक संघटन जे आहे ज्याच्या 6व्या शिक्षण संमेलनामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करताना आपल्या सगळ्यांना भेटताना खूप आनंद होतो. याच्या आधी पुण्यात 3 संमेलनं झाली, संगमनेरला 1, नाशिकला 1 आणि आत्ता आपण बारामतीत सगळेजण एकत्र आहोत. समाज माध्यमांच्या मधून आपण एकमेकाला भेटलो, कोण फेसबुकवरून कोण व्हॉट्सॲपवरून, प्रत्यक्ष कामातून काहीतरी आपली ओळख होत होती आणि एकमेकाशी आपण जोडलं गेलो. 2011 वर्धा ते बारामती असा आपला हा प्रवास आहे. खरं तर व्हॉट्सॲप आणि फेसबुक हे खूपच कमी जीव असलेलं माध्यम आहे असं आपण ऐकतो बोलतो आणि मला तर असंही वाटतं अनेकदा की या सगळ्या जगातून लोक खऱ्या जगात येतात का नाही अशी भीती मनात आहे. मी असंही म्हणत असतो की फेसबुकवर 5000 मित्रांनी गल्ली बिचारी ना कुत्रा अशी अवस्था आहे अनेकांची. पण आपण फेसबुक व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून एकमेकाला भेटलो, बोललो, समजून घेतलं, काम ओळखी झाले आणि त्याचं रूपांतर काहीतरी असं एकत्र यायला पाहिजे, भेटायला पाहिजे आणि मग भेटायला पाहिजे तर नुसतं भेटून नाही, गेट टुगेदर केल्यासारखं. तर शिक्षक म्हणून काम करत असताना काळाचे संदर्भ जे बदलत जातात, काही संशोधन, काही अभ्यास आणि त्याच्या माध्यमातून जी एक शिक्षणाची दिशा सतत 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 आपल्याला पकडायला लागते, नाहीतर तारू भरकटत आपलं. आणि म्हणून सेवा पूर्व प्रशिक्षण असतील किंवा सेवांतर्गत प्रशिक्षण असतील त्याच्या संबंधाने मी सतत शिक्षक म्हणून विचार करत असतो. शिक्षक म्हणून मला जेव्हा मुलांबरोबर काम करायचं असतं तेव्हा मी डीएड किंवा मी बीएड झालेलो असतो किंवा झालेली असते आणि मुलांबरोबर काम करायला मी जेव्हा सुरुवात करतो किंवा करते तेव्हा लक्षात असं येतं की अरे आपल्याला बऱ्याच गोष्टी माहीत नाहीत, कळत नाहीत. हा, गमतीनं म्हणतात जग केवढं तर ज्याच्या ज्याच्या डोके एवढं मेंदू एवढं वगैरे, पण इथे अडचण येते आणि मग गरज पडते. मला कोणीतरी सपोर्ट सिस्टीम हवी आहे, मला अकॅडमिक इनपुट हवे आहे. आउटकम सारी दुनिया मागते आमच्याकडे, इनपुट कोण देत नाही. मला थोडीशी जरा एक खंतही व्यक्त करायची आहे. रोहित सर, 3-4 वर्ष झाली महाराष्ट्रामध्ये शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमाची वाट लागलेली आहे, बोंबललेला आहे. शिक्षणासारख्या इतक्या महत्वाच्या क्षेत्रामध्ये आपण काम करत असतो आणि हे काम करताना पदोपदी अडचणी येतात. काम करताना वर्गामध्ये सगळ्या मुलांना सगळं आलं पाहिजे असं आम्हाला शासन सांगतं, जीआर काढून, परिपत्रक काढून. आणि दुसऱ्या बाजूला रचनावादाचं जे प्रशिक्षण असतं त्याच्यामध्ये म्हणतात प्रत्येक मूल वेगळं आहे, बुद्धिमत्ता बहुविध बुद्धिमत्तांचा जो सिद्धांत आहे तो असं सांगतो की बुद्धिमत्ता एक नाही, अनेक प्रकारच्या आहे, 8 प्रकारच्या आहे. हॉवर्ड गार्डनरची थिअरी सांगितली जाते. इथे गडबड आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की या अशा प्रकारच्या हाय क्वालिटी इनपुटची शिक्षकांना जर गरज असेल, अकॅडमिक इनपुटची जर गरज असेल, काही प्रमाणात एटीएफच्या संमेलनामधून ती भूक भागली पाहिजे शिक्षकांची. तहान भूक काय केवळ पाणी आणि अन्नापुरती नसते. आपण व्हॉट्सअपच्या ग्रुपमध्ये शेअरिंग करतो, फेसबुकवर आपले उपक्रम लिहितो, त्याच्या माध्यमातून चर्चा होतात. अनेक लोक असं सांगतात की इथे झालेल्या चर्चा उपयोगाला रात्री आम्ही बसलो होतो, तर लोक सांगत होते की इथे झालेल्या चर्चांमधून काही दिशा मिळते, लेखांमधून काही विचार मंथन होतं, त्याच्यातून काही शिकायला मिळतं आणि त्याच्यातून आपण काहीतरी जे समजूत समज आपली वाढत जाते आणि मग आपल्याकडे काहीतरी सांगण्यासारखं असतं आणि ते इतरांनाही उपयोगी आहेत. आणि दुसरी गोष्ट अशी असते की खूप वेगवेगळ्या पुस्तकांचं वाचन करून, चिंतन मनन करून लिहिणं हे जे सुरू असतं, तर ह्या दोन्हींचा समन्वय साधत आपल्याला पुढे जायला पाहिजे असं मला वाटतं. एका बाजूला जमिनीवर काम करणारे शिक्षक काम करत असतात, त्यांच्या अनुभवांचं शेअरिंग करत असतात, सांगत असतात, विचारत असतात आणि त्याच्यातून समज आपली वाढत असते, आपण समृद्ध होत असतो. हे शेअरिंग अत्यंत महत्वाचं आहे, परंतु त्याच वेळेला तात्विक आणि सैद्धांतिक बाजू जी असते शिक्षणातली जी अत्यंत महत्वाची आहे. आणि मला असं वाटतं की एटीएफमध्ये काम करणारे जे शिक्षक आहेत त्यांची तहान भूक आहे,
आपण काम करतो, आपण वाचतो, वेगवेगळ्या गोष्टी लिहितो, बघत जातो, परंतु त्याच वेळेला मला असं वाटतं की श्रुती पानसेंचा मेंदू आणि शिक्षण हा विषय, आता नितीन खंडाळे यांचं अभिनंदन, जे के पाटील आणि नितीन खंडाळे यासाठी जोरात टाळ्या आपण वाजवूया तिथे, कारण सतत गेले म्हणजे 1500 दिवस तरी झाले हे सतत इंग्रजीच्या बाबतीत एक पोस्ट लिहिलेली असते आणि तिथे त्यांनी दिलेली असते वाचायला. मला असं वाटतं की व्हॉट्सअप सारख्या माध्यमामध्ये इतकं गंभीरपणे सतत सातत्य ठेवून काम करत राहणं ही दुर्मिळ गोष्ट आहे. आणि नितीन सुद्धा कुतूहल आणि श्रुती पानसेंचं जे सदर आहे ते सुद्धा सकाळी सकाळी आम्ही चहानं पिणारी मंडळी जे आहोत त्यांना तर एक अजून गोष्ट आहे मला सांगायची आपल्या सगळ्या की सरकारी प्रशिक्षणामध्ये काहीतरी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम डिझाईन केलेला असतो आणि तो मुंबई पुण्यात कुठेतरी डिझाईन होतो आणि तो खाली 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 येतो जिल्हा तालुका केंद्र आणि ते पाजरत पाजरत येतं. म्हणजे मला अजूनही आठवतं HBCSE मध्ये एक शिक्षक होते कुणीतरी ते म्हटले होते मुंबईवरून बर्फाची लादी निघाली की आमचे हातच ओले होतात सगळं मध्ये वितळून जातं असं प्रशिक्षण कार्यक्रमांची आपली स्थिती आहे. परंतु इथे आपल्याला काय हवं आहे कोणत्या गोष्टीविषयी जाणून घ्यायचं आहे हा अजेंडा जो आहे 2 दिवसाचा संमेलनाचा हा आपण शिक्षक चर्चा करून ठरवत असतो. मग आता काय मेंदू आणि संशोधन मेंदू आणि शिक्षण याच्या बाबतीत काहीतरी समजून घ्यायला पाहिजे किंवा पर्यावरणातले इश्यूज आहेत दे आफ्टर टुमारो इट्स कमिंग टू नेक्स्ट आणीबाणी सारखी परिस्थिती आहे मग भवताल आणि याच्याकडे बघितलं पाहिजे कसं बघायचं काय बघायचं परिसराला शिक्षणामध्ये शिक्षणाचा आशय नाही का कसं बनवायचा. कारण आपण हे बघतो बाहेरच्या जगामध्ये प्रचंड वैविध्य आहे परंतु आमचं शिक्षण पाठ्यपुस्तक केंद्रीय झालेलं आहे. आपलं म्हणजे ATF मधले शिक्षक बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक असं अप्रोच घेऊन पुढे निघालेले आहेत. परंतु मला असं वाटतं की शिक्षण म्हणजे काय शिक्षण कसं घडतं याचा विचार या संबंधानं सतत चर्चा आणि जिथे जिथे म्हणून अडचण येईल तिथे तिथे म्हणून अकॅडमिक सपोर्ट सिस्टीम शिक्षकांना जी नाही ती उभी करण्याचं काम आपण या ठिकाणी करत आलेलं आहे. अस्वस्थ खचत आहे शिक्षण क्षेत्रामध्ये अस्वस्थ खचत असण्याचं कारण एका बाजूला शाळा बंद केल्या जातात दुसऱ्या बाजूला शिक्षक प्रशिक्षण नाहीये तिसऱ्या बाजूला शिक्षकांना नाक्यावर उभं करून टोल गोळा करायला सांगितलं जाते चौथ्या बाजूला टिनपट मोजायला सांगितलं जाते पाचवीकडे आणखी काही पण वाटेल ते सुरू आहे काही पण वाटेल ते सुरू आहे. मला या ठिकाणी एक नोंद म्हणून आपल्या सगळ्यांना सांगायची आहे की ATF मध्ये ज्या चर्चा होत राहिल्या मग आरटीतलं 6वं कलम काय सांगतं आरटीतलं 27वं, 24वं, 29वं कलम काय सांगतं याच्या संबंधाने ज्या सतत चर्चा होत राहिल्या आणि एक प्रकारे इथले जे काही शिक्षक कार्यकर्ते आहेत त्यांचं वैचारिक भरणपोषण होत राहिलं आणि त्याच्यातून मागच्या वेळेला शाळाबंदीच्या विरोधात जी एक चळवळ उभी राहिली महाराष्ट्रामध्ये आणि 1314 पैकी जवळजवळ 300 शाळा त्यांनी बंद केल्या होत्या त्याच्या व्यतिरिक्त ज्या उरलेल्या शाळा होत्या त्या बंद झाल्या नाही सरकारला बंद करता आल्या नाही. मला असं वाटतं की ही ताकद सुद्धा या लढ्याचं नेतृत्व सुद्धा ATF ने केलं ATF म्हणून आपण सगळे त्याच्यामध्ये सहभागी होतो आणि म्हणून एका बाजूला जमिनीवर उत्तम काम करणं हे काम सांगत राहणं आणि हे काम सांगून एकमेकांच्या शेअरिंग मधून काहीतरी स्वतःला उन्नत करत राहणं समृद्ध करत राहणं आणि दुसऱ्या बाजूला ज्या अशास्त्रीय प्रयोग सुरू असतात शिक्षणामध्ये जी चुकीची धोरणं घेतली जातात त्याला विरोध करणं ह्या दोन्ही आघाड्यांवर आपल्याला काम करायला लागतं आणि म्हणून मी म्हटलं की एक असुरक्षितता आहे आणि त्याच्यातून अस्वस्थ खतखत महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये मला गेल्या काही वर्षांपासून जाणवते ती आता वाढत चाललेली आहे. आपण बघतो JET एअरवेजचं काय झालं ONGCचं काय झालं आणि आता पुढे जाऊन सरकारी शाळांचं काय होणार आहे याच्या संबंधानं आपण काही चर्चा करत असतो याच्या संबंधाने कळी काळाचे म्हणून जे काही प्रभाव आहेत दबाव आहेत गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची मागणी ज्या वेळेला व्यवस्था आमच्याकडून करते त्यावेळेला शिक्षकांचं मन मानस काय म्हणतो त्यांना व्यक्त होण्यासाठी काही प्लॅटफॉर्म फोरम आवश्यक असतात तीही जागा आहे. महत्वाचं म्हणजे रोहित धनकर सर आपल्यामध्ये आहे त्यांचं बँगलोरला आम्ही AIPSNच्या काँग्रेसमध्ये आपको हमने सुना था कॉन्टेंट ऑफ एज्युकेशन ते हम जब शिक्षा म्हणजे शिक्षा का म्हणतात शिक्षणाला हिंदी मध्ये हे पण मला काही माहित नाही तर शिक्षण शिक्षण स्लेश सोडून देऊ आपण मी समारोपाकडे येताना फक्त इतकंच सांगेन की
पाठ्यपुस्तकांमधून होत असं परीक्षा ज्या आपण घेतो मूल्यमापन करत जातो त्याच्यातून आपण मी नेहमी असं म्हणतो आणि मानतो की मुलांना आम्ही परीक्षेसाठी तयार करतो, गरज मुलांना आयुष्यासाठी तयार करण्याची. आम्ही पाठ्यपुस्तक शिकवत असतो परंतु इतिहास शिकवताना कुटुंबाचा इतिहास आजोबाचं नाव माहीत नसतं. आजोबा राहत होते ते कोणत्या मटेरियलनं बनवलेलं होतं, त्या गावामध्ये किराणावालाचं दुकान कधी आलं, ती ग्रामपंचायत कधी आली, शेती करण्याच्या पद्धती बदलत गेल्या, अनेक गोष्टी असतात. त्याच्याशी परिसराशी आम्ही कधी शिक्षण जोडत नाही. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण जे एनसीएफची जी मागणी आहे ती जगणं आणि शिकणं हे एकत्र आणणं आणि रोहित धनकर सरांचा परिचय किशोर दळक करून देणार आहेत त्यामुळे मी तिकडे जात नाही. परंतु या संमेलनामध्ये आपण आतापर्यंत जे पाहुणे मागच्या वर्षी कोल्हीमध्ये कोण इकडे पालघरला कोण पिंपळदारावाडीला हे असं सगळं जे काय आहे तरी सुद्धा तिथे काम करताना काय जिगर लागते, आव्हानांना भेटताना काय ताकदीनं काम करायला लागतं ते पण आपल्याला शिक्षकांचे अनुभव समजून घ्यायचे आहेत. आणि बाकीचे सुद्धा शिक्षक प्रशिक्षक आहेत त्यांच्याकडूनही शिक्षण काय आहे हे तात्विक आणि सैद्धांतिक पातळीवर ते जे शिक्षक प्रशिक्षक म्हणून गेली काही वर्ष काम करतात ती अत्यंत महत्वाची गोष्ट, तिला दुर्लक्षित करता येणार नाही असं सगळं आपण समजून घेणार आहोत. मी जरा तसं जास्त बोललोय परंतु आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करून दोन दिवस इथे अमोल गोडके आणि त्यांची टीम आपण सगळेजण चांगल्यात चांगल्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे परंतु काही मर्यादा आहेत आपण सगळेजण ते समजून घ्याल आणि गोड मानून घ्याल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत करून थांबतो. धन्यवाद. पण किशोरला विनंती करते की रोहित धनकर सरांचा आपल्या सगळ्यांसाठी परिचय त्यांनी करून द्यावा. ज्या व्यक्तीचा विचार आपण माहिती करून घेणार आहोत, त्यांच्याशी काही शेअरिंग करणार आहोत, त्यांची पूर्वपीठिका, त्यांचं काम आपल्या सगळ्यांना माहिती असणं फार आवश्यक असतं. आणि म्हणून किशोरला विनंती करते. तत्पूर्वी एक पुस्तक देऊन किशोर आणि भाऊनी धनकर सरांचं स्वागत करावं आपल्या सगळ्यांच्या वतीने अशी त्यांना दोघांना विनंती करते. आपल्या ATFच्या संमेलनात आपण सगळ्या औपचारिकतेला नेहमीच फाटा देत असतो. पुष्पगुच्छ किंवा कुठलेही स्वागत सत्कार ह्या गोष्टी नसतात. पण पुस्तक हे आपल्या सगळ्यांचा प्राणवायू आहे त्यामुळे पुस्तक देऊन सरांचं स्वागत आणि किशोरला विनंती की त्यांनी परिचय देणार. नमस्कार. बऱ्याच जणांची आता नव्याने ओळख होईल येत्या दोन दिवसात अशी अपेक्षा आहे. मी इथे उभा आहे आत्ता रोहित धनकरांच्या विषयी बोलण्यासाठी, त्यांचा परिचय करून देण्यासाठी. आणि एक चार पाच मिनिटांमध्ये मी सांगेन माझा रोहितचा परिचय. गेली 13-14 वर्ष असावा जेव्हा TISSमध्ये मी MA करायला गेलो. मी पहिल्या बॅचमध्ये गेलो होतो तिथल्या, त्या पहिल्या बॅचचं पहिलं सेशन रोहित धनकरने घेतलं होतं आणि त्यांनी आम्हाला फिलॉसॉफी ऑफ एज्युकेशन हा विषय शिकवला. आणि फिलॉसॉफी ऑफ एज्युकेशनकडे बघायचं कसं, शिक्षणाचं तत्त्वज्ञान जे असतं ते त्याच्याकडे बघायचं कसं, तो समजावून कसा घ्यायचा आणि आर्ग्युमेंट करताना लॉजिकल किंवा तार्किकदृष्ट्या चूक कशी टाळायची याच्याविषयीचे खूप चांगलं शिक्षण त्यांनी त्या संबंध सेमिस्टरमध्ये आम्हाला जो विषय शिकवला त्यातून केलं. हा एक परिचयाचा भाग झाला. मी सुरुवातच याच्यापासून केली की त्यांनी मला शिकवलं, यातून मला हे त्यांच्याप्रती ऋण व्यक्त करणं पण आहे की ते काय प्रकारचे मार्गदर्शक असू शकतात हे मला सगळ्या तुम्हाला सगळ्यांशी शेअर करायचं आहे. दुसरं रोहित धनकरांची एक गोष्ट जी आहे ती देशामध्ये आत्ता धोरणांच्या पातळीवरती ज्या गोष्टी घडत आहेत घडवल्या जात आहेत विशेषतः 2004-05 दरम्यान ज्या गोष्टी महत्त्वाच्या घडल्या त्यातलं एक महत्त्वाचं नाव आपल्या डोळ्यासमोर सतत असतं ते राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा. तो राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा त्याच्यासाठी जी एक सुकाणू समिती बनली होती त्या सुकाणू समितीचे ते सदस्य होते आणि त्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याच्या घडण्यामध्ये 21 जोतगट होते, 21 अभ्यास ग्रुप होते. त्यातला एक अभ्यासगट जो होता तो एम्स ऑफ एज्युकेशनचा होता. शिक्षणाची उद्दिष्ट हा जो गट होता त्याचे ते प्रमुख पण.
रोहित धनकरांचं शिक्षण जे आहे ते मुळात गणितामध्ये त्यांनी एम एस सी केलेलं आहे. गणितात गणित शिक्षण, नंतर ज्ञानमीमांसा शास्त्र किंवा ज्ञाननिर्मिती असं काहीतरी भावने शब्द जो वापरला, एपिस्टमॉलॉजी, हा त्यांचा एक अत्यंत हातखंड्याचा विषय आहे. आणि मला तरी भारताच्या संदर्भात असे लोक माहीत नाही आहेत की जे एपिस्टमॉलॉजी आणि फिलॉसॉफी ऑफ एज्युकेशनला घेऊन एक अख्खं संभाषित, एक अख्खा डिस्कोर्स उभा करण्याचा प्रयत्न, म्हणजे त्या व्यक्तीचं काहीतरी महत्त्वाचं योगदान त्या फील्डला दिलेलं असतं आणि ते रोहित धनकरांनी मोठ्या प्रमाणात केलेलं आहे. मी त्यांचे काही लेख जेव्हा जेव्हा वाचण्यात येतात तेव्हा न्यूजपेपरमध्ये लेख पण ATF मध्ये शेअर केलेले आहेतच. हिंदीमध्ये त्यांनी एक्सटेन्सिव्हली लिहिले आहे. दिगंतर नावाच्या संस्थेविषयी आपल्याला माहिती आहे, जयपूरमध्ये जी संस्था आहे त्याचे ते संस्थापक संचालक आहे. दिगंतरनी गेली अनेक वर्ष शिक्षणामध्ये काम केलेलं आहे, विशेषतः असे समूह ज्यातल्या अनेक घटकांना आपण पण शिकवतो त्या समूहातल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी, तिथल्या शिक्षकांच्या सक्षमीकरणासाठी काय करता येईल याच्यासाठी दिगंतर मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्नशील आहे. शिक्षा विमर्श नावाचं जे मासिक चालवलं जातं दिगंतरकडून, जे हिंदीमध्ये शिक्षणाच्या संदर्भातलं एक अत्यंत स्ट्रॉंग मासिक शिक्षकांसाठी किंवा त्यामध्ये विचार करू इच्छिणाऱ्यांसाठी, ते मुलांसाठीचं मासिक नाही, शिक्षणाचा संबंध रचना शिक्षणाची, शिक्षणाचा डिस्कोर्स समजून घेण्यासाठी विमर्शचा फार उपयोग होतो. आणि मला फारूकसारखे तर वाचक निश्चित माहिती आहेत की जे अनेक वर्ष गेली शिक्षा विमर्श खूप काळजीपूर्वक वाचतात, त्यातलं काही भाषांतरही करतात आणि तशी मासिकं जी आपल्या जडणघडणीमध्ये उपयोगी पडतात ते मासिक गेली अनेक वर्ष रोहित धनकर आणि त्यांची संबंध टीम चालवली. एक महत्त्वाची गोष्ट त्यांच्याविषयी आणखीन सांगायची म्हणजे मी क्रोनॉलॉजिकली बोलत नाही आहे आणि त्यांनी लिहिलेले अमुक एवढे लेख किंवा अमुक एवढे पुस्तकं अशाविषयी मला अजिबात बोलण्यात रस नाही आहे, कारण संख्या कशा तयार होतात याच्यामध्ये मला खरंच पडायचं नाही आहे. त्यांनी काय क्वालिटीचं काम केलेलं आहे तेही मला जरूर सांगावं लागेल. एक महत्त्वाची ओळख, कृतीयुक्त अध्यापन पद्धतीच्या एका अर्थाने जनक ज्यांना म्हटलं जातं, डेव्हिड हॉर्सबर्ग, त्यांच्याकडे खरं रोहितने शिक्षक होण्यासाठीचं प्रशिक्षण घेतलेलं आहे आणि तिथे 15 वर्ष त्यांनी प्राथमिक शाळेत शिकवलेलं आहे. त्यामुळे असं जे असतं की प्राथमिक शिक्षक वेगळे आणि विचारवंत वेगळे, प्राथमिक शिक्षक वेगळे आणि तज्ज्ञ वेगळे, हे ॲब्सोल्युटली न घडता रोहितच्या केसमध्ये आपल्याला म्हणता येईल की प्राथमिक शिक्षकापासून हा प्रवास सुरू झालेला आहे आणि त्यातून ते पुढं देशपातळीवरती, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती एपिस्टमॉलॉजीमध्ये, टीचर एज्युकेशन आणि टीचर डेव्हलपमेंटमध्ये, करिक्युलम डेव्हलपमेंटमध्ये एक महत्त्वाचं नाव म्हणून त्यांना घडलं जातं. भारताच्या संदर्भातल्या अनेक पॉलिसीज आत्ताही बदलत असताना त्यांच्याशी सल्लामसलत केल्याशिवाय गोष्टी पुढे घडत नाही. मी टाटा ट्रस्टमध्ये काम करतो आणि टाटा ट्रस्टचं एक मोठं टीचर एज्युकेशनवरती कार्यक्रम सुरू आहे आणि त्याच्याही तो जो एक बेसिक थिंक टँक त्यासाठी बनवण्यात आला होता, रोहित धनकर त्याचा एक भाग होता. त्यामुळे अशा प्रकारची व्यक्ती आज आपल्यासोबत बोलणार आहे ही फार माझ्यासाठी आनंदाची पर्सनली पण गोष्ट अशासाठी की वर्गात बसून रोहित धनकर सोबत खूप वाद घालणे ही आय एम टॉकिंग अबाउट अवर डिबेट्स इन द क्लास. सो वर्गात बसून रोहित सोबत वाद घालणे ही पण फार मजेची आणि आनंदाची गोष्ट होती आणि प्रत्येक वादाला एका लॉजिकल मुद्द्यापर्यंत, एंडपर्यंत आणून सोडणे हे त्यांचं कौशल्य फार वाखाणण्याजोगं आणि आत्मसात करण्याजोगं पण आहे. तर रोहित धनकरांना मी विनंती करेन त्यांनी सुरू करावं. रोहित, आय जस्ट वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दिस ग्रुप विच आय ऑलरेडी प्रॉब्ली ड्युरिंग अवर जर्नी यस्टरडे टॉक दॅट दिस इज अ ग्रुप ऑफ टीचर्स विच यू आर टॉकिंग अबाउट विच इज अ फ्लुइड विच इज व्हॉलंटरी विच इज इन बिटवीन अ कम्प्लीट फॉर्मल अँड अ कम्प्लीट इनफॉर्मल. इट्स अ व्हॉलंटरी ग्रुप ऑफ टीचर्स. ऑल दिस टीचर्स हॅव ट्रॅव्हल्ड, I mean, I would say on an average, a distance traveled would be about 400 kilometers plus. They have done overnight journeys. Many of them reached this morning. Some of them are coming now. And these teachers, as I told you, on one hand is trying to support the government in various possible ways in taking the agenda of quality education forward. On the other hand, it is taking the government head on in opposing the ways if it is going against the interest of children. So, child being at the center, we are trying to work in a kind of non-formal, formal way. So you are most welcome to now engage with us for about 2 hours. Thank you. उसमें कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं जो आपने नहीं होती है, आपको नहीं पता होता कि आप उसका प्रतिकार करें कि नहीं करें, तो इस समस्या से बच गए. एक बात मैंने सुनी थी और वो सही है कि मैं 15 साल तक प्राथमिक स्कूल में पढ़ाता रहा हूँ और इसको मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं
जब किसी चीज पर सोचना शुरू करता हूँ तो अब भी मेरी दृष्टि मूलतः शिक्षक की ही है। मैं एक टीचर के तरह से सोचता हूँ और बहुत सारी जगह मुझे मैं जो कहता हूँ उस पर सवाल भी पूछे जा सकते हैं, नई बातें भी कही जा सकती हैं, टिप्पणी भी की जा सकती है। मैं कोशिश करूँगा कि इन 30-35-40 भी हो सकते हैं इतने मिनट में मैं कुछ ऐसी बातें कह दूँ जिससे आप थोड़े उद्वेलित हों, आपको थोड़ा बुरा लगे और आप कुछ कहने के लिए मजबूर। मैं कोशिश करूँगा ऐसी, लेकिन कहाँ तक हो पाएगा ये नहीं पता। मुझे जो विषय दिया गया है एक्चुअली आपस में बातचीत करते ही तय हुआ था, वो अच्छी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका आज के जमाने में, आज कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में क्या भूमिका हो सकती है। एक दृष्टि से देखें तो ये बहुत अटपटा सवाल है। काम को सपोर्ट करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए है, तो बाकी तो शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए उपक्रम है। कोई शोध करता है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि ये शिक्षा कर रहा है। कोई आदमी यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहा है और यदि हम प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं तो ये नहीं कह सकते हम कि वो शिक्षा कर रहा है। कोई लेजिस्लेचर में आरटीई जैसा नियम पास करवा रहा है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि वो शिक्षा कर रहा है। ये सब उपयोगी काम है, लेकिन कोई किताब लिख रहा है ये तो नहीं कह सकते आप शिक्षा कर रहे हो। ये सब उपयोगी काम है, लेकिन इन कामों की दिशा, जो शिक्षण कार्य चल रहा है कक्षा में छात्र और सीखने वाले और शिक्षक के बीच में, उसको सपोर्ट करता है। तो पहली बात तो ये है कि यदि आप ये समझते हैं कि कम से कम मैं तो समझता हूँ कि शिक्षा तो वास्तव में हम ही लोग करते हैं एज टीचर, तो मुख्य भूमिका या मतलब शिक्षक की भूमिका पूछने का क्या मतलब हुआ भाई, हम करता है इसके। लेकिन दूसरी दृष्टि से शायद इसका थोड़ा कुछ महत्व हो सकता है इस बात का, और वो इस ढंग से हो सकता है कि ठीक है भाई हम ही हैं, लेकिन आज के जमाने में ये काम हम कैसे करें, हमको कैसे करना चाहिए, ये एक सवाल हो सकता है भूमिका के संदर्भ में। दूसरी तरह से इस सवाल पर अपन थोड़ा विचार करेंगे कि इस वक्त जो भारत की स्थिति है, इस वक्त जो भारत में शिक्षा की स्थिति है, उसमें हम लोगों की, और मैं अपने आप को आप लोगों के साथ शामिल कर रहा हूँ, हम लोगों की शिक्षक के रूप में क्या भूमिका हो सकती है, क्या भूमिका होनी चाहिए। इसमें भी मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा, किशोर ने जैसे आपसे कहा है कि मैं मूलतः फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन पढ़ाता रहा हूँ, वही उसी में पढ़ता लिखता रहा हूँ, तो मैं क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है उस पर बात करूँगा। क्या है अभी सोसाइटी में, क्या चल रहा है उस पर बात नहीं करता हूँ, उसका मैं कहीं कहीं जिक्र करूँगा इस बात को पुष्ट करने के लिए कि क्या होना चाहिए। तो इस दृष्टि से देखें तो मुझे पहली बात ये लगती है कि क्योंकि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं, इसलिए पहले हम ये देखने की कोशिश करें कि ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा या अच्छी शिक्षा, इस पर हम किस तरह से विचार करते हैं। आज का जमाना दूसरा पक्ष है, गुणवत्तापूर्ण आज का जमाना और हमारी भूमिका। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दृष्टि से हम किस प्रकार की शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण करें, इस पर थोड़ा सा बातचीत करने के लिए, बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको एक लंबा पैराग्राफ या लंबा उद्धरण पढ़ के सुनाऊंगा। वो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, हो सकता है मुझे दो बार पढ़ना पड़े। और मैं सवाल ये नहीं पूछूंगा उसके आखिर में कि, दो तीन सवाल होंगे लेकिन पहला सवाल ये नहीं होगा कि ये किसने लिखा है, पहला सवाल ये होगा ये कब लिखा गया है, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, पहला सवाल ये होगा। ये बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए आप में से बहुत सारे लोगों ने ये उद्धरण पढ़ा हुआ हो सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ी देर के लिए, जब तक बाकी लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा है सोच के अपना जवाब नहीं तय कर ले, तब तक कुछ न कहें, क्योंकि काफी फेमस है इसलिए आपने पढ़ा होगा है। तो मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये बोरिंग काम है, आई एम सॉरी, लेकिन शिक्षण में तो शिक्षा भी होती है ना, मराठी वाले शब्दों की दृष्टि से बात करें तो इसको आप शिक्षा मान लीजिए। तो ये अब मैं आगे जो पढ़ रहा हूँ वो उद्धरण है, कोट कर रहा हूँ। मेरे विचार से उस व्यक्ति ने उस अच्छी शिक्षा प्राप्त की है
जिसका युवावस्था में इस तरह से शिक्षण हुआ है कि, और आगे बहुत सारी शब्द हैं, उसका शरीर उसकी मर्जी का तत्पर सेवक है और वह सब खुशी से और सरलता से करता है जो एक यंत्र के रूप में वह कर पाने में सक्षम है। एक बात शरीर के बारे में, जिसकी बुद्धि तर्क की एक स्पष्ट और शांत मशीन है, जिसके सब हिस्से बराबर की क्षमता रखते हैं और जो सुचारू रूप से काम करती है, एक भाप के इंजन की तरह, चाहे उसे महीन यांत्रिक काम में लगा दो चाहे विचारों के ताने बाने बुनने में, दोनों में बराबर का अच्छा काम करती है। जिसका मन या स्मृति, जिसका मन प्रकृति के मूल और महान शक्तियों के ज्ञान और प्रकृति के संचालन के नियमों का भंडार, और जो कोई अर्ध विकसित तापस नहीं हो बल्कि जीवन ऊर्जा से भरपूर हो, जिसमें तीव्र आवेग हो पर उसके आवेगों पर उसकी ताकतवर इच्छा शक्ति का पूर्ण नियंत्रण हो, और जिसकी यह ताकतवर इच्छा शक्ति एक कोमल अंतश्चेतना की सेवक हो, जिसने सब प्रकार के सौंदर्य से प्यार करना सीखा हो चाहे वह प्राकृतिक हो, उसको लेकर काफी बोर करूंगा, इसमें पहली बात शरीर के बारे में कही जा रही है, दूसरी बुद्धि के बारे में, तीसरी मन के बारे में, और चौथी उसके उसमें जीवन ऊर्जा के बारे में, और फिर अंतश्चेतना के विकास की बात की जा रही है। कोई आइडिया? कोई भी, इस इट डजंट मैटर। आपने यदि थोड़ा इधर उधर 5-10 साल या 100-200 साल इधर उधर गेस कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है? क्या लगता है आपको कब लिखा गया होगा? उन्नीस सौ सैंतीस के आसपास। अच्छा, एक मत, एक और मत चाहिए, बहुत लंबा डिस्कोर्स इसमें नहीं करेंगे, एक आध और मत कोई। 1982। ओके, थैंक यू। ये थॉमस हार्डी हक्सले का एक कॉलेज में भाषण था और ये 1868 में दिया गया था, और उस वक्त वो इंग्लैंड में जो शिक्षा चल रही थी उससे बहुत परेशान थे, और उन्होंने एक लंबा चौड़ा क्रिटिक किया उस शिक्षा का कि ये तो भाई शिक्षा नहीं है, कम से कम अच्छी शिक्षा तो नहीं है, और फिर उसने कहा कि भाई अच्छी शिक्षा किसको कहेंगे, हालांकि वो जो शब्द काम में लेते हैं वो लिबरल एजुकेशन लेते हैं, इस पर मैं जानबूझ के थोड़ा सा उल्टा सीधा अनुवाद कर रहा हूँ, मैं इसको अच्छी शिक्षा के रूप में फिलहाल रखूँ, तो कि उन्होंने एक वर्किंग मैंस कॉलेज में ये भाषण दिया था, जो लोग काम करते थे उनके लिए नया कॉलेज खुला था लंदन में, उसमें। अब थोड़ा सा इस पर एक बार फिर विचार करिए। अच्छा, एक और दूसरी बात यह है कि गांधी जी ने इसको हिंद स्वराज में कोट किया है, गांधी जी ने हिंद स्वराज 1909 में लिखा है, और गांधी जी ने हिंद स्वराज में इसको कोट किया है, लेकिन ये लिखा हुआ थॉमस हार्डी हक्सले का है। जिन लोगों को थोड़ा बहुत लिटरेचर जो लोग पढ़ते हों, एक बहुत फेमस उपन्यास है द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, वो थॉमस हार्डी हक्सले के पोते में लिखा था, एल्डर्स हक्सले ने, और हक्सले फैमिली काफी प्रसिद्ध है, ये बायोलॉजिस्ट थे लेकिन शिक्षा और साहित्य और ह्यूमैनिटीज पर भी लिखते बातचीत करते रहे। अब थोड़ा सा हम आगे आए तो आप क्या ये अब 167 साल, मतलब 150 साल के करीब पहले लिखा गया है, क्या इसको अब हम शिक्षा की, अच्छी शिक्षा की परिभाषा के रूप में ले सकते हैं, या इतना कुछ बदल गया है कि आप इसमें क्या जोड़ना चाह सकते हैं? एक बार फिर से इसको देख लीजिए, क्योंकि हम अच्छी शिक्षा पर बात कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा देखें आप थोड़ा डिटेल में। पहले में ये कह रहे हैं कि जिसका शरीर को इस प्रकार की ट्रेनिंग मिली है कि वो मेहनत का काम खुशी से कर सकता है, अब शरीर थोड़ा ही करता है, काम तो हम लोग करते हैं, लेकिन कहने का शायद इनका आशय ये है कि शारीरिक रूप से इस प्रकार का विकास हुआ है कि जिसमें कठिनाई झेलने में, मेहनत करने में और किसी चीज पर लगे रहने में, सतत काम करने में कोई बहुत परेशानी नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है कि
एक व्यक्ति सतत रूप से कोई शारीरिक काम लंबे समय तक कर सकता है और दूसरा व्यक्ति बहुत जल्दी थक जाता है, तो ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि शारीरिक विकास इस तरह का हुआ हो कि वो काम अच्छी तरह से कर सके। दूसरी बात जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बुद्धि तर्क की एक स्पष्ट और शांत मशीन हो, इंटेलेक्ट कहते हैं वो अंग्रेजी में, बुद्धि मैंने अनुवाद किया है हिंदी में, ये अनुवाद मेरा है और मैंने जानबूझ के इसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ किया है आज का जमाने के हिसाब से। बुद्धि मूलतः कोई डिसीजन लेने की प्रक्रिया के संदर्भ में ये बात कर रहे हैं कि आपको जब कोई निर्णय करना हो कि ये करूं या ये करूं, इसको ऐसे करूं या वैसे करूं, मतलब क्या उचित है क्या अनुचित है और किसी काम को कैसे करना चाहिए, कौन सी चीज सही है कौन सी गलत, ये जो निर्णय प्रक्रिया की बात है ये कह रहे हैं कि ये करने वाला उसका जो भी हिस्सा है उसके दिमाग का, ये कोई अलग हिस्सा नहीं है, कंसेप्चुअल लेवल पर बात कर रहे हैं, तो वो तार्किक हो, स्पष्ट हो और भावनाओं से विचलित ना हो, शांत। तो आप बिना विचलित हुए बिना किसी तरह की चीजों से प्रभावित हुए निर्णय ले सकें, मुझे ऐसा लग रहा है ये दूसरी बात कह रहे हैं अच्छी शिक्षा। लेकिन निर्णय किस आधार पर लेते हैं आप? निर्णय जो यदि दो व्यक्ति हैं, एक के पास ये सूचना उपलब्ध है कि मैं राजस्थान में रहता हूं, महाराष्ट्र का पता नहीं, कि राजस्थान में मुश्किल से 2% सांप ऐसे होते हैं जिनमें जहर होता है, एक व्यक्ति के पास ये सूचना है, दूसरे व्यक्ति के पास ये सूचना नहीं है, ये ज्ञान नहीं है प्रकृति का, और इन दोनों के घर में सांप घुस आए, तो ये दोनों सांप के बारे में जो निर्णय लेंगे ये अलग अलग होंगे। एक को ये पता है कि मुझे खतरा सिर्फ 2% है, हालांकि 2% भी अच्छा खासा जहरीला है तो अच्छा खासा है, लेकिन उसके बावजूद उसका पैनिक किस लेवल पर पहुंचेगा और सांप को वो मारेगा या बाहर छोड़ेगा, ये निर्णय लेने में उसकी ये सूचना काम आएगी। एक्चुअली इस वक्त हमें यदि हमारे हमको जो हमारा प्रतिनिधित्व जो पार्लियामेंट में लोग करना चाहते हैं उनके बारे में जितनी सूचनाएं होनी चाहिए आर्थिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, उनके कर्म और कुकर्म सारे, तो हमें मदद मिलेगी निर्णय लेने में। तो ये दूसरी बात कह रहे हैं कि जिसका मन, मस्तिष्क या स्मृति जिसकी प्रकृति के मूल शक्तियों से और प्रकृति कैसे संचालित होती है इसके नियमों का एक भंडार हो, अर्थात खूब सारी इंफॉर्मेशन, खूब सारा ज्ञान हो उस व्यक्ति के पास। अगली बात जो कह रहे हैं कि ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने तपस्या कर करके शरीर को सुखा लिया है और इसलिए उसकी इच्छाएं और आवेग वगैरह खत्म हो गए हैं, कि ऐसा नहीं है, ये ऊर्जावान और खूब सारे आवेगों वाला इंसान है, लेकिन इसके आवेग ऐसे नहीं है जो बेग लगाम घोड़े की तरह सब तरफ दौड़ जाए, उसके आवेग उसकी इच्छा शक्ति के बस में रहते हैं। तो इस व्यक्ति में आवेग तो है, भावनाएं हैं, लेकिन वो आवेगों को दिशा देने के लिए एक सशक्त इच्छा शक्ति है, और इच्छा शक्ति के मूल में क्या है, एक कोमल अंतर्चेतना, अर्थात दूसरों के प्रति संवेदनशील अंतःचेतना इस व्यक्ति की विकसित हो चुकी है। और ये सब प्रकार की जो अच्छी चीजें हैं दुनिया में, सौंदर्य हैं, उनको उनसे प्रेम करना सीखा है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवकृत हो, प्राकृतिक पहाड़, डूबता सूरज, और मैं तो राजस्थान का हूं इसलिए रेगिस्तान भी, ये प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर चीजें हैं, और मानवकृत पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, ये सारी मानवकृत सौंदर्य संबंधी चीजें हैं, तो दोनों प्रकार की चीजों से। और अगली बात इंपॉर्टेंट है, जिसने सब तरह की नीचता और दुष्टता से नफरत करना सीखा है और दूसरों को अपने बराबर सम्मान देना और उनका अपने बराबर आदर करना सीखा है। अब यदि हम ये सोचें कि आज के जमाने में भारत में आज अच्छी शिक्षा में आप इसके इस जमाने में कैसी स्किल चाहिए, शायद वो बात नहीं है, इसकी हम आगे बात करेंगे। यदि मैं ये कहूं, एक चीज और देख सकते हैं हम तो अच्छी शिक्षा के लिए, यदि एनसीएफ के शिक्षा के उद्देश्यों में, और वो तो एक ऐसी चीज है जिसको एनसीईआरटी ने शायद लगभग हर टीचर के हाथ में पहुंचाने की कोशिश की है, मुझे नहीं पता आप लोगों के पास पहुंची है कि नहीं,
यदि एनसीएफ में शिक्षा के उद्देश्य देखें और उन उद्देश्यों की प्राप्ति जिस प्रकार की शिक्षा से हो सकती है उसको अच्छी शिक्षा माने, तो आप पाएंगे कि एक्चुअली इन दोनों में काफी समानता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनसीएफ हक्सले से पूछ के लिखा गया है, लेकिन शिक्षा में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, यदि मानव जीवन में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आता तो शिक्षा के मूल उद्देश्यों में परिवर्तन जो आते हैं वो बहुत देर से और बहुत थोड़े थोड़े आते हैं। और इंसान की इच्छाएं, इंसान की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, वो तो तब भी वही थी जो आज थी, आज हैं। परिस्थितियां बदली हैं जिनमें वो आकांक्षाएं और इच्छाएं ऑपरेट होती हैं, पूर्ण हो सकती हैं, अपूर्ण रह सकती हैं, तो उसके अनुसार होगा। तो यदि एनसीएफ में आप देखना चाहें कि इसमें किस प्रकार की चीज या किस प्रकार के उद्देश्य से एनसीएफ लिखता है शिक्षा के, तो उसमें पहला जो उद्देश्य लिखता है और इसका विशेष महत्वपूर्ण है आज के भारत में, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, पहला उद्देश्य वो लिखता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता इस तरह की नहीं जिसमें किसी ने लोकतांत्रिक, पहले तो ये देखने की जरूरत है कि लोकतांत्रिक मूल्य किस प्रकार के मूल्यों को कह रहा है ये डॉक्यूमेंट। आपने सब सबने ये सारी चीजें सुनी होंगी, जानते भी होंगे, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, ह्यूमन डिग्निटी मतलब इंसान की मर्यादा, और भ्रातृत्व की भावना, संवेदना दूसरों के प्रति, ये सारे के सारे जो मूल्य हैं इनको लोकतांत्रिक मूल्य कहा जाता है। आप यदि भारत के संविधान का प्रीएम्बल देखेंगे तो उसमें इनकी एक अच्छी खासी सूची आपको मिल जाएगी। तो एनसीएफ चाहता है कि हमारे बच्चे जो स्कूल से पढ़ लिख के निकले वो लोकतांत्रिक मूल्यों को समझें और उनको जीवन में उतारें, और उनके प्रति उनकी बच्चों की जो प्रतिबद्धता हो वो सोची समझी प्रतिबद्धता हो, वो इस तरह की प्रतिबद्धता नहीं हो कि किसी ने कह दिया इसलिए वो उसको रिपीट कर रहे हैं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है, इस तरह की प्रतिबद्धता कि किसी ने कह दिया उसको रिपीट कर रहे हैं और जानबूझ के सोच समझ के कर रहे हैं। मुझे पता नहीं है ठीक से, लेकिन आप यदि युधिष्ठिर का उदाहरण लें, महाभारत में एक बहुत फेमस कथा है, आप सब लोग जानते होंगे उसको। गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन कौरवों और पांडवों से कहा कि कल का पाठ यही याद करके आना है कि सदा सच बोलो। तो दूसरे दिन उन्होंने पूछा कि भाई याद करके आ गए क्या, तो इस वाक्य में क्या था याद करने का, सबने कहा कि हाँ आ गए। युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे तो नहीं याद हुआ, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं कल देखते। अगले दिन भी उनको नहीं याद हुआ, तो तीसरे दिन भी नहीं याद हुआ, तो गुरु ने कहा कि भाई इसमें क्या बात है कि बाकी सबको याद हो गए, छोटा सा वाक्य तुम्हें याद नहीं हो गया। उसने कहा मुझे याद तो है सदा सच बोलो, लेकिन मैं तो ऐसा करने नहीं लगाऊंगा अभी तक। तो दो लेवल पर देख रहे हैं, एक लेवल पर मूल्य को रट रहे हैं, दूसरे पर उसको चरित्र में उतार रहे हैं। लेकिन एक तीसरा लेवल है जिसकी बात कम से कम इस कथा में नहीं है युधिष्ठिर की, वो ये है कि क्यों बोलूं सच, ये सवाल पूछना कि क्यों बोलूं सच, ये सवाल क्यों जरूरी है। इसलिए नहीं कि सच बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मानव जीवन में ऐसे पल बहुत कम होते हैं जब दो मूल्यों में टकराहट नहीं, एक तरफ सच बोलना है और दूसरी तरफ किसी दूसरे के हक मारे जा रहे हैं, आपके पास दो मूल्य हैं जिनमें आपस में टकराहट है और आपको तय करना पड़ेगा कि उस वक्त जो आप निर्णय लें उसमें किसी एक को कम तरजीह दें और दूसरे को अधिक तरजीह दें। और ये आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब आप ये भी पूछें कि क्यों बोलूं सच, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो एनसीएफ जो कह रहा है लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, वो इस प्रकार की बात कर रहा है कि क्यों होनी चाहिए समानता, सारे लोग क्यों बने, क्यों मानो मैं सारे भारत के नागरिकों को समान, क्या कारण है उसके पीछे और समानता का अर्थ क्या है। और यदि कहीं समानता और स्वतंत्रता में विरोध हो रहा हो तो उनमें से कौन सा चुनूं, और ये चुनाव तभी कर सकते हैं आप जब आप ये भी देखें कि उसके पीछे कारण क्या है। तो ये पहला उद्देश्य एनसीएफ में है। और आप देखें कि इसकी आखिरी लाइन जो हमने अभी पढ़ी, सबको अपने बराबर की इज्जत देना और सारी दुष्टता और नीचता से नफरत करना सीख लिया है, उसमें और इसमें कुछ संबंध लग रहा है, शब्दावली अलग है लेकिन बात एक जैसी हो सकती है।
एनसीएफ में दूसरी चीज कही गई है इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्ट, मतलब विचार करने की और कर्म करने में स्वायत्त हो, ये दूसरी बात कही गई है। अब क्योंकि बहुत ज्यादा व्यक्ति इसमें नहीं लेके मैं यदि एक साथ बात करूं तो तीसरी बात कही गई है उसमें कि स्वयं के प्रयत्नों से सीख सके, और चौथी बात कि समाज में जो आर्थिक क्रियाकलाप चल रहे हैं उनमें योगदान दे सके, और आखिरी बात या छठी बात उसमें है कि सौंदर्य को समझने की काबिलियत। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 150 साल का गैप होने के बावजूद एक प्रकार की रेजोनेंस इन दोनों स्टेटमेंट्स में है। यदि आप मुदालिया कमीशन की रिपोर्ट देखें और वो बात करते हैं कि लोकतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, तो आपको फिर से इसी प्रकार की बात मिलेगी। बहुत संक्षेप में बात करें तो मुदालिया सबसे पहले कहते हैं कि स्पष्ट सोचने की काबिलियत होनी चाहिए, और मैं इसका विशेष रूप से जिक्र उनमें से सिर्फ दो का करूंगा, बहुत और चीजें हैं, स्पष्ट सोचने की और स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति की काबिलियत होनी चाहिए। क्यों? मुदालिया का आर्ग्यूमेंट इंटरेस्टिंग है। पहला आर्ग्यूमेंट वो ये देते हैं, और ये ऐसा 1952 में लिखा गया था जब हम अभी अभी थोड़ी देर पहले आजाद हुए थे और हमने अपना संविधान लागू करके और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में अपने देश की स्थापना की थी। वो कह रहे हैं कि वही डेमोक्रेसी फलफूल शक्ति है और चल सकती है जिसके नागरिकों को खुद साफ तौर पर सोचना आता हो। जिस डेमोक्रेसी के नागरिक साफ तौर पर नहीं सोच सकते, उस डेमोक्रेसी के लोग उसके साथ डायलॉग करते हैं, संवाद करते हैं, और संवाद में उसके विचारों को बदलने की कोशिश करते हैं। तो फिर दूसरी बात आपने चाहिए स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने की क्षमता, लिख के भी और बोल के भी। आप पाएंगे, आप अपने छोटे ग्रुप्स में भी देखा होगा, जो लोग ज्यादा बोलते हैं आपके ग्रुप में जो डिसीजन होते हैं वो ज्यादातर उन लोगों से संचालित होते हैं। ये अच्छी बात है कि पूरी ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं अभी, लेकिन होते ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत उससे बेहतर विचार हैं लेकिन आप बोल नहीं रहे, किसी कारण से झिझक रहे हैं, तो ग्रुप का जो निर्णय होगा उसमें आपके विचार ऑपरेट, विचार ग्रुप के निर्णय में तभी ऑपरेट करेंगे जब आप बोलेंगे और साफ बोलेंगे। सो ये दो चीजें, ये अभी जो हमने हक्सले की चीज बोली उससे मेल खाती है। उसकी बुद्धि एक शांत तर्क का इंजन होना चाहिए और उसका मन प्रकृति और समाज के ज्ञान से भरा हुआ होना चाहिए, उससे मेल खाती है ये दोनों चीजें। सिर्फ एक चीज का और जिक्र करूंगा जिसका आजकल बड़े गलत तरीके से आर्ग्यू कर रहे हैं कि शिक्षा को चाहिए कि वो देश प्रेम या देशभक्ति, अब कौन सा कहना चाहिए, मैं हमेशा पशु देश में रहता हूं, क्योंकि भक्ति में एक भावना मुझे लगती है जिसमें आप उसको क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर सकते, जिस चीज की आप भक्ति करते हैं आप उसके गुण दोष की एनालिसिस नहीं करते, बस भक्ति करते हैं। तो मुदालिया ये नहीं कह रहे, वो कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जेन्युइन या ट्रू पैट्रियोटिज्म क्या है, और उसकी तीन बातें बताते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। पहली बात वो कहते हैं कि हमारी संस्कृति सभ्यता और इस देश में के जो अचीवमेंट है उनके बारे में पता होना और उनके ऊपर जितना जायज है उतना गर्व करना। तो हमारे जो कल्चरल आर्टिस्टिक थॉट, शोध में, विज्ञान में, दर्शन में जो अचीवमेंट है उनकी जानकारी और उसमें उस पर गर्व करना, और दूसरी बात जो हमारी कल्चर और हमारे कल्चर संस्कृति ज्ञान उसमें इस प्रकार उसकी कमजोरियों और कमजोरियों और सही जो चीज है मजबूतियों को ठीक से समझना, और जो कमजोरियां हैं उनको मानना और उनको क्रिटिसाइज करना। और वो एक जगह कहते हैं कि वो संस्कृति जो अपने सड़े गले हिस्से को विश्लेषण करके सला गला घोषित नहीं कर सकती वो जिंदा नहीं रह सकती, वो खत्म हो जाती है,
संस्कृति के जिंदा रहने का यही तरीका है कि जो चीजें न्याय विवेक और स्वतंत्रता के विरुद्ध जाती हैं उनको क्रिटिक करके बदला या हटाया जाए। जड़ता जब संस्कृति में आती है तो वो मरती है। तो दूसरी बात ये कहते हैं कि पैट्रियोटिक या देश प्रेमी इंसान, जो भी कहें पैट्रियोटिक शब्द निकाल में लूंगा मैं, पैट्रियोटिक इंसान का ये काम है कि वो उसकी कमियां देखे और तीसरा उन कमियों को दूर करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे और अपने स्वहित में और बृहत्तर समाज हित में बैलेंस स्थापित कर सके। और कई बार ऐसी जरूरत हो सकती है कि स्वहित को समाज हित के लिए त्यागना पड़े या न्यौछावर करना पड़े। तो अब यदि आप दोबारा से जाएं तो किस प्रकार की पैट्रियोटिज्म की बात मुदाली आप कर रहे हैं 1952 में, वो एक तो अपने सचमुच के जो अचीवमेंट हैं उनके बारे में ज्ञान और उसके बारे में प्राउड फील, दूसरा जो कमियां हैं उनको स्पष्ट रूप से देखना, बयान करना, विवेचन करना, क्रिटिक करना, और तीसरा कमियों को दूर करने के लिए और बाकी जो देश के लोग हैं उनके भले के लिए सतत रूप से प्रयत्नशील रहना और इस प्रयत्न में जब जहां जरूरत पड़े अपने हितों को उसके समाज के लार्जर हित के साथ संयोग कर बैलेंस करना, संतुलन बिठाना, और जहां संतुलन नहीं बैठ रहा है वहां ऐसी परिस्थिति को पहचानना जिसमें स्वहित को कब समाज हित के सामने बलिदान करना है। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की पैट्रियोटिज्म यदि स्कूल सिखाते हैं बच्चों को तो इसमें कोई प्रॉब्लम है। हालांकि आजकल के लिबरल थ्रोट में पैट्रियोटिज्म की बहुत जबरदस्त क्रिटिसिज्म है उपलब्ध है। अब यदि हम ये कहें कि और एज ए टीचर एज यूजुअल मैं टाइम देखना भूल गया हूँ तो कोई अंदाजा कितना टाइम हो गया होगा? ओके, सो करीब 10 मिनट में मैं बात को समझता हूँ, बाद में हम बातचीत करेंगे। तो अब यदि अच्छी शिक्षा में हम अपनी भूमिका देखना चाहें इस दृष्टि से तो क्या देखें? मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त भारत में पहली जरूरत शिक्षकों को जो करने की है वो हमारे सामने मोटे तौर पर 3 प्रकार के स्वरूप शिक्षा के रखे जा रहे हैं और हमें उनमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा या उनके में से किसी संयोग करके कोई बैलेंस रूप बनाना पड़ेगा। एक रूप आप कह सकते हैं न्यायपूर्ण और क्षमतापूर्ण समाज के लिए शिक्षा, जिसको डेमोक्रेसी स्किल्स या दक्षताओं को बढ़ाने में काम आता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि यदि बाजार में आज एक खास प्रकार की मार्केटेबल स्किल के रूप में मैं आईसीटी देखूं तो वो ज्ञान जो आईसीटी को बढ़ावा दे। यदि मुझे ये महत्वपूर्ण लग रहा है कि देश में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और वो भी एक तरह से मुझे किस प्रकार की क्रॉप्स उगानी है उस दस्तावेज में से बताना है, तो उस दस्तावेज का लगभग क्या है? वो स्किल जो 21वीं सदी के मार्केट में उपयोगी होंगी एजुकेशन पूरी तरह से उन पर कॉन्सेंट्रेट करें। इसको मैं कह रहा हूं बाजार के लिए शिक्षा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक के नाते सबसे पहले तो हमें इसका कोई बैलेंस बनाना पड़ेगा या चुनना पड़ेगा। पहले 2 में बैलेंस में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब समाज के लिए शिक्षा और व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा में कोई विरोध नहीं होता है। एक्चुअली आप ध्यान से देखें, ऊपर से कई बार लगता है, ध्यान से देखें तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उस पर 2-3 लाइन में जो बात कहें तो ये कहेंगे कि यदि आप ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें समानता है, सबकी इज्जत है, स्वतंत्रता है, तो शिक्षा के माध्यम से प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल का टीचर कैसे बना सकता है? वो तो कुछ नहीं कर सकता उसमें। वो बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दे सकता है कि वो समाज में एक मॉरल एजेंट के रूप में जब काम करें तो समाज का जो रूप उभरे वो समता और न्यायपूर्ण हो। तो एक्चुअली समाज में परिवर्तन शिक्षक व्यक्ति में परिवर्तन करके करता है। हम लोग डायरेक्टली सोसाइटी में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वो हमारे बस की बात नहीं है। हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं, वो बाहर जाकर समाज बनाएगा, वो वही होगा जो बात हम कर रहे हैं। लेकिन दूसरा जो है व्यक्ति और समाज के लिए शिक्षा को एक तरफ रखें और बाजार के लिए शिक्षा, इसमें इस वक्त भारत में अच्छी खासी खींचा जा रही है।
और एक दृष्टि से ये सिर्फ ऊपर से बाजार और शिक्षा की खींचतानी है, लेकिन अंदरूनी तौर पर इसमें एक और पेच है। यदि पूरी तरह से स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात आप करेंगे और बाजार के लिए शिक्षा की बात करेंगे, तो वो जो डेमोक्रेटिक सिटीजन की काबिलियतें हैं वो वाला हिस्सा आप फ्री छोड़ देंगे किसी और के निर्णय करने के लिए, और वो निर्णय फिर आर्थिक आधारों पर कॉरपोरेट की सलाह से होने लगे। तो एक प्रकार से जब बहुत ज्यादा एम्फसिस, मैं थोड़ा सा आगाह कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं स्किल्स नहीं सिखाई जानी चाहिए, मैं कह रहा हूं जब शिक्षा को पूरी तरह से रास्ते पर डाल दिया जाता है तो उसका हिडन एजेंडा लोगों की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को ब्लंट करना भी होता है कि उनकी राजनीतिक चेतना थोड़ी कम हो जाए, जिससे राज चलाने में और राज प्राप्ति में आसानी हो। वही मुदालियानी वाली बात, जिनको या तो विकास के नाम पर या धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर या किसी और नाम पर बहकाया जा सके और कुछ फंडामेंटल चीजों से विमुख किया जा सके। कहा है जिसकी उम्र आपसे ज्यादा है, जिसकी दाढ़ी सफेद है, इत्यादि इत्यादि। सच्चाई का और सफेद दाढ़ी का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं। सफेद दाढ़ी उतनी ही गलत हो सकती है जितने अन्य कोई हो सकता है। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त शिक्षकों को बहुत सारे चीजों में शिक्षा को बचाने में एक्टिव रोल निभाना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा नाजायज है और थोड़ा अन्याय है शिक्षकों, क्योंकि क्या कारण है कि हम समाज के किसी और तबके से तो नहीं कहते कि आप अपने पैसे को और उसकी परिस्थितियों को और समाज में उसको योगदान को बचाने की जिम्मेदारी भी आप पर है। तो फौज को बचाने की जिम्मेदारी फौजी पर है, ये तो हम नहीं कहते। ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन को बचाने की जिम्मेदारी क्लर्क पर या एडमिनिस्ट्रेटर पर है, ये भी हम नहीं कहते। तो प्राकृतिक वस्तुओं के साथ काम कर रहा है जिसमें जिस ऑब्जेक्ट को आप मैनिपुलेट कर रहे हैं उसमें जीवन नहीं। जब एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं आप, तो आप अडल्ट्स को ध्यान में रखते हुए करते हैं। जब आप शिक्षा करते हैं तब एक्चुअली आप सिर्फ इंसानों से व्यवहार नहीं कर रहे होते, इंसानों को घड़ रहे होते। तो ये बहुत बड़ा फर्क ये है कि शिक्षा में एक तरह से, और ये बड़ी बात नहीं है, ये सुनने में इतनी घिस गई है कि बहुत बड़ी बात लगती है, कि वास्तव में हम इंसान के निर्माण की मदद कर रहे हैं। क्यों मदद कर रहे हैं, मतलब व्हाट डू आई मीन बाय दिस? इससे मेरा आशय ये है कि वो व्यक्ति कैसे सोचेगा, कौन से मूल्य उसके मन में महत्वपूर्ण होंगे, निर्णय प्रक्रिया के लिए उसने तर्क कितना सीखा है, अपनी भावनाओं को बस में रख के सही गलत के निर्णय पर चलना कितना सीखा है, इसके आधार पर डिफाइन होता है कि कोई व्यक्ति क्या है और उसकी मानवीयता का इंडेक्स क्या है, या मानवीय क्षमताओं को विकसित कर रहे हैं और उनके विकास किस दिशा में होगा, इसको शेप करने में हम चाहें न चाहें हमारा प्रभाव होता है। इसका मतलब मैं इस तरह से समझता हूं कि चाहे हम मर्जी से आए हों या किसी मजबूरी के कारण शिक्षा में आ गए हों, हम एक ऐसी जगह फंस गए हैं जहां पर दूसरे लोगों की जिंदगी पर, उनके सोचने पर हमारा प्रभाव होता है। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रभाव सकारात्मक हो और उस प्रभाव की जो परिस्थितियां हैं उनको हम बनाए रखें। तो ये अन्यायपूर्ण लगता है कि शिक्षकों से कहो कि शिक्षा को बचाओ, लेकिन शिक्षक के पैसे की जो जरूरतें हैं उसकी कंसेप्चुअल धारणा जो है उसमें ये लाजमी भी है। तो अब हो सकता है आप मेरे से सहमत नहीं हो तो बाद में जरूर कहिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बात तो ये है। अब दूसरी बात ये है कि हम, पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारे पास इस वक्त आरटी के कारण बहुत बड़ी स्वतंत्रता है कि हम स्कूल को कैसे चलाएं। पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया है क्या इस पर, मैं आरटी की नौ वगैरह पर बाद में आऊंगा। अभी हम ये मान के चल रहे हैं, दूसरी जगह से बात कहें तो ये कहेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि बच्चे सोचने समझने वाले नागरिक बने, तो ये जरूरत है कि उनकी शिक्षा भी सोचने समझने वाले तरीके से हो, और सोचने समझने वाले तरीकों में
कितने दिन में कितना सीख लेना है और परीक्षा होके पास फेल हो जाओगे, इस दबाव से मुक्ति लाजमी है। तो इंटरेस्टिंगली अभी जो कानून है भारत में उसके अनुसार वास्तव में कक्षाएं नहीं है क्लासेस में। मैं जानता हूं आपके स्कूल में आपके सारे के सारे स्कूल, आपका पाठ्यक्रम, आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा एक, कक्षा दो, कक्षा तीन, कक्षा चार, कक्षा पांच इस तरह से है, लेकिन वास्तव में वो नहीं है, वो आभासी है। क्योंकि कक्षा की एक धारणा ये है, बल्कि कक्षा की धारणा का लाजमी हिस्सा ये है कि अगली कक्षा में आप तब जाएंगे जब पहली कक्षा की जो भी पढ़ना लिखना था वो पूरा कर लिया हो, और नहीं किया है तो उसी कक्षा में दोबारा रहेंगे। ये कक्षा की अवधारणा के केंद्रीय हिस्से हैं और ये दोनों गायब हैं अभी। तो ये तो हुई अच्छी बात कि स्कूल को कक्षा की के जूले से मुक्त कर दिया है आरटीई ने, लेकिन आरटीई ने गड़बड़ी की है। आरटीई ने प्राथमिक शिक्षा को वर्षों में डिफाइन कर दिया है और कैपेबिलिटीज हट गई है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई स्टेट ऐसा है जो नो डिटेंशन पॉलिसी फॉलो करता है, जो आरटीई के तहत कर सकता है अब भी, नहीं चाहे तो न करे लेकिन कर सकता है आठवीं तक, तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं पहली कक्षा में आया, दूसरी में चला गया, तीसरी में चला गया, पांचवी में चला गया, कहीं डिटेन नहीं किया गया, इवेल्युएशन होता रहा लेकिन डिटेन नहीं किया गया। और जब 8 साल हो जाएंगे और 14 वर्ष का हो जाऊंगा तब मेरी प्राथमिक शिक्षा पूरी हो गई। तो प्राथमिक शिक्षा की डेफिनेशन 1 से 8 तक की कक्षा, कक्षा की डेफिनेशन एज के अनुसार या स्कूल में बिताए गए वर्षों के अनुसार, और कक्षा का कितना सीखा है उससे लेना देना नहीं, इसका मतलब प्राथमिक शिक्षा का कितना सीखा है इससे लेना देना, ये प्रॉब्लम है आरटीई। तो पहले का कि राइट टू एजुकेशन एक्ट की जरूरत इसलिए है कि सरकार को शिक्षा के अधिकार को लोगों तक मुहैया करवाने के लिए मजबूर किया जा सके। तो राइट टू एक्ट एक्चुअली किसके विरुद्ध हथियार के रूप में तैयार किया जा रहा था, सरकार के। और अभी राइट टू एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट का उपयोग किसके विरुद्ध हो रहा है, सरकार के विरुद्ध छोड़ के बाकी सबके विरुद्ध हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? एक और कानून बना था लगभग इसके साथ शायद थोड़ा सा पहले, राइट टू इंफॉर्मेशन, और इसमें हम लोगों को शिक्षक के नाते जो स्वतंत्रता मिलती है वो भी आ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त हमें टीचर के नाते एक तो डेमोक्रेसी के पक्ष में निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जिस ढंग से हमारा वोटिंग पैटर्न चल रहा है आप सब जानते हैं, किसी एक पार्टी को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। पूरे देश में वोटिंग पैटर्न की जो स्थितियां हैं वो या तो गांव का रहने वाला, बहुत दूर की कोड़ी नहीं लग रही है मुझे कि आप लोगों से ये बात करें कि आरटीई को सरकारी स्कूलों में लागू करने के लिए सरकार को कैसे मजबूर किया जा सकता है, और फिर उसके बाद की जो चीजें हैं वो ऑफकोर्स कक्षा में हम लोग क्या कर सकते हैं उससे संबंधित है। सो पहले राउंड पर मैं अपनी बात को यहां खत्म कर देता हूं और आपके सामने दो तीन मैंने जो प्रोड बात कही है, क्योंकि किसी एक सवाल और तार्किक इंजन के रूप में निरपेक्ष रखते रहे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि उसको विवेचना में कंटिन्यूअसली यूज करते रहे होंगे। थैंक यू। उद्देशून काही गोष्टी आपल्या समोर ठेवलेल्या आहेत, त्याविषयी आपले प्रश्न आपण उभारून विचारायला हरकत नाही किंवा इथे येऊन सांगायला हरकत नाही। ये जो थोड़ा कंफ्यूजन है और उसको लेके एग्जाम्स, ये जो एक बड़ा इशू है, ये भी हमेशा ग्रुप में डिस्कशन होता रहता है कि इज इट नेसेसरी टू
achieve success in exams. Some ऐसे जैसे exams है, कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि ये जो basic education का जो qualification हम कह सकते हैं वो पूरा करके ही ये जो under privileged बच्चे हैं वो आगे जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं. तो I request you to discuss on this also. ये काफी इंटरपर्सनल है कि पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों के बीच में और इंटरेक्शन दोनों के बीच में हो रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस काफी ग्लोबल है, काफी जेनेरिक है. मतलब जो एक्सपेक्टेशन मैं शिक्षा से कर रहा हूँ वो वैश्विक है और जो इंटरेक्शन हो रहा है वो इंटरपर्सनल लेवल पे वन टू वन हो रहा है. तो इसको कनेक्ट करने के बारे में आप किस तरह से थोड़ा और ज्यादा समझाएंगे, उसके ऊपर थोड़ा और प्रकाश चाहिए. सर मैंने शिक्षा विमर्श में आपके आर्टिकल में हमेशा से यही पढ़ा है कि पाठ्यपुस्तक के बारे में आप बहुत जोरदार लिखते हैं और राजस्थान की जब पाठ्यपुस्तक की बदली तो आपने भी उस पर बहुत सारा कुछ लिखा था. हमेशा से यही बात रही है कि खासकर महाराष्ट्र के बारे में हम सोचते हैं तो कि हमारे लोग जो हैं पढ़ाने वाले लोग पाठ्यपुस्तक में इस तरह से उलझ जाते हैं कि हमें जो कुछ भी काम करना है वो काम वहाँ तक पहुँचता नहीं है. और हालांकि सिस्टम परिप्रेक्ष्य से देखते हैं इस चीज़ को तो मुझे ये जानने में थोड़ा और ये लगेगा कि हम लोग बदलाव की अगर भाषा करते हैं या फिर बदलाव की इच्छा रखते हैं फिर इन बदलाव को, क्योंकि यही मूल है हमारे मतलब जो हमारी क्लासरूम है वहाँ से जो निकलता है, तो फिर इस बारे में आप किस बारे में सोचते हैं और आपके क्या मायने हैं इसके बारे में, ये जानने में हमें और थोड़ी सी जानकारी मिलेगी. इन तीनों चीज़ों पर मैं कुछ कहने की कोशिश करता हूँ. देखिए मैं जो बात कह रहा था वास्तव में मैं ऐसा नहीं कह रहा था कि परीक्षा पास नहीं करनी चाहिए, बल्कि मैं आपको थोड़ी सी ये जानकारी दूं कि हम लोगों ने जब स्कूल शुरू किया तो हम सचमुच मानते हैं, निरंतर जब शुरू किया था और अब भी मैं मानता हूँ कि एक्चुअली ये जो सालाना परीक्षा होती है या फाइनल परीक्षा वगैरह होती है ये कुछ खास काम की बात नहीं. लेकिन हम इस बात से जागरूक थे शुरू से कि यदि ये बच्चे किसी दूसरी स्कूल में जाना चाहते हैं छठी क्लास में तो इनको किसी न किसी प्रकार की सनद मिलनी चाहिए कि इनका एजुकेशन अधूरा नहीं. तो एक जरूरत तो परीक्षा की और सर्टिफिकेट की प्रैक्टिकल जरूरत, लेकिन एक से गहरे लेवल पर एजुकेशन की अवधारणा में निहित है कि कुछ क्षमताएं प्राप्त की जाए और कुछ क्षमताएं प्राप्त की गई हैं कि नहीं की गई हैं ये असेसमेंट के इवेल्युएशन के बिना नहीं पता चलता. तो एक्चुअली एजुकेशन लोग जो एनालाइज करते हैं तो कहते हैं कि एजुकेशन का जो कंसेप्ट है उसके दो हिस्से हैं, एक अचीवमेंट पार्ट और एक प्रोसेस पार्ट. प्रोसेस पार्ट में एजुकेशन कैसे करे, मतलब दंड नहीं दे इत्यादि, बच्चे की बेइज्जती नहीं करे, ये वाला हिस्सा है, कितने दिन चले ये वाला हिस्सा. लेकिन अचीवमेंट पार्ट में उसमें क्या क्षमताएं, किस तरह का ज्ञान, क्या चीजें पैदा हो वो. और यदि आप अचीवमेंट पार्ट को छोड़ देते हैं तो एजुकेशन नहीं. तो इसका मतलब पर किसी न किसी प्रकार का असेसमेंट होना और उसमें अच्छा करना ये एजुकेशन में लाजमी. तो ऐसा तो मैं कुछ इंप्लाई नहीं करना चाह रहा था कि परीक्षा पास नहीं, दलित और बिना दलित सब, प्रिविलेज्ड अंडर प्रिविलेज्ड सब. लेकिन एक और समस्या, क्या परीक्षा पास कर ली और 100% मार्क्स आ गए तो एजुकेशन हो गया, ये है समस्या. अभी बहुत सारे लोगों को CBSE बोर्ड लिटरेचर में 99% मार्क्स मिले हैं. इसका क्या अर्थ है? क्या वो लोग हिंदी लिटरेचर को समझ गए? क्या वो पोइट्री को कैसे क्रिटिक करें, उसके सौंदर्य को कैसे अब्जॉर्ब करें, उसके सौंदर्य में कैसे आनंद लें, उसमें एक्चुअली परफेक्ट हो गए? क्या कह रहे हैं हम इस एजुकेशन में? बात है कि अप्लाइड जो भी सब्जेक्ट आए हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स जो भी आने का, लेकिन आप यदि ध्यान शिक्षा करने पर देते हैं और शिक्षा माने
जो कुछ कर रहे हो समझ के करो, चीजों को समझने की कोशिश करो, किताब को अपने आप पढ़ के समझने की कोशिश करो, अपनी बात को सफाई से कहना सीखो, लिख के भी बोल के भी चीजों को ऑब्जर्व करना सीखो इत्यादि इत्यादि। तो एक्चुअली परीक्षा बहुत आसानी से पास हो जाती है यदि आप अच्छी शिक्षा कर रहे हैं प्राइमरी तक। तो पांचवीं की परीक्षा मच अबव एवरेज आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। समस्या होती है जब आप चाहते हैं कि टॉप पे हो, जब टॉप पे होने की जब आप कोशिश करते हैं तो आप एग्जाम की टेक्निक और एग्जाम क्रैक करना सीखना शुरू कर देते हैं और एजुकेशन को छोड़ देते हैं। तो मुझे एजुकेशन में और परीक्षा पास करने में एक्चुअली विरोध नहीं लग रहा है उस दृष्टि से। एक बात मैं और कहना चाहूंगा इस संदर्भ में कि स्किल जरूरी है। सवाल ये नहीं था, मैं ये आर्ग्यू नहीं कर रहा था कि स्किल्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो लिबरल एजुकेशन में भी एजुकेशन का एक उद्देश्य जोर शोर से कहते हैं, एनसीएफ का जिक्र भी किया मैंने, उसको कहते हैं रेशनल ऑटोनॉमी। रेशनल ऑटोनॉमी का एक डेफिनेशन ये हो सकती है कि आप अपने कर्म और विचार को स्वयं तय करें ऑटोनॉमसली, बस ज्ञान हो मूल्य हो। तो रेशनल ऑटोनॉमी को थ्रेट कहां से हो सकता है? दो प्रकार के थ्रेट होते हैं। एक थ्रेट होता है इंटरनल, कि मैं जो उचित मानता हूं वो करने में सक्षम नहीं हूं, सेल्फ कंट्रोल नहीं, मैं समझता हूं कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए इस आदमी पर, या इसकी चोरी नहीं करनी चाहिए, या इसने मेरे साथ ये कर दिया था, बदला लेने के लिए सब नहीं वोट देना चाहिए, बट आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। विकास के साथ और डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड वैल्यूज के साथ कैसे बढ़ना, तो ये बाकी मोटी बात मैं कह रहा था। दूसरी बात थी कि शिक्षक की भूमिका और इसमें यस, ये इसमें एक्चुअली देखने में अटपटा और विरोधाभास लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा ये देखने की कोशिश करिए, थोड़ा थोड़ा और गहराई में जाके सोचिए कि लर्निंग इज कारण धर्म और मान लीजिए कि कास्ट बेस अन्याय हो रहा है। और दूसरा, साउथ अमेरिका में कोई ग्रुप बेस्ड अन्याय हो रहा है और मेरे पास दोनों में से एक को चुनाव करना है तो मुझे कौन सा चुनना है? मुझे हमेशा लगता है, और लोग कहते हैं मैं पैरोकेल हूं, मैं हो सकता हूं, मुझे हमेशा लगता है मुझे राजस्थान चुनना। कारण यह है कि यहां की परिस्थिति में व्यवधान, यहां की परिस्थिति को बेहतर करने के लिए योगदान देना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है सिटीजन के नाते, और साउथ अमेरिका में मेरे पास न वो हक है और न मेरे पास वो नैतिकता। मेरी एक लार्जर मानवीय नैतिक जिम्मेदारी ह्यूमन बीइंग के नाते बनती है जो मुझे जरूर पूरी करनी चाहिए, लेकिन यदि प्रेसिंग नीड उससे पहले है तो उस दृष्टि से देखें तो कंटेक्चुअल उपयोग या ग्लोबल उपयोग व्यक्ति मूल्यों के आधार पर तय कर सकता है। तो उसमें मुझे कुछ पाठ्य पुस्तक के बारे में, तो देखिए पहली बात यह है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षा के उद्देश्य करिकुलम और सिलेबस जो बनाया गया है और टीचर एजुकेशन जिस प्रकार का हुआ है, कंटेक्स्ट जिस प्रकार का है उसके अनुसार बनती है। एक सारी दुनिया में हुआ है और हिंदुस्तान में बहुत मुखर रूप से हुआ है, वो ये है कि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जो भी गवर्नमेंट पावर में होती है वो अपनी किस्म की आइडियोलॉजी को प्रचारित करने की कोशिश करती है। ये अभी बहुत मुखर रूप से है, राजस्थान में तो बहुत ही हुआ है, आपके यहाँ भी हुआ होगा, I'm 100% sure आपके यहाँ भी हुआ। लेकिन को यदि कोई ये कहता है कि ये अभी हुआ है, अभी ये ज्यादा उग्र रूप से और तेजी से और ज्यादा भोंडेपन से उजागर ढंग से हो रहा है, लेकिन कोई ये कहे कि पहले 50 साल तक जब दूसरी पार्टियां पावर में थी तब ये नहीं होता था, तो ये बात गलत होगी। तब भी एग्जैक्टली यही हो रहा था, और शायद आपको पता हो एनसीईआरटी में जब पहली बार इतिहास की पुस्तकें बदली गई थी तो वो इतिहासकार जिन्होंने लिखी थी, क्योंकि वो बहुत वोकल थे और उन्होंने पूरे भारत में एक लंबा बकेड़ा शुरू कर दिया, तो पाठ्य पुस्तकों को लेकर खासकर इतिहास और सामाजिक विज्ञान की, ये आप शिक्षक हैं आराम से समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल रुझान की गुंजाइश इतिहास और सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन में अधिक होती है, और गणित में पॉलिटिकल रुझान की उस प्रकार की
गुंजाइश या फिजिक्स में पॉलिटिकल रुझान की उस प्रकार की गुंजाइश कम होती, उसको भी ले सकते हैं। तो सरकारें ये कोशिश करती है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है पाठ्य पुस्तक की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उसमें जिस भी डिसिप्लिन में या जिस भी क्षेत्र के ज्ञान की बात हो रही है उसकी बहुत, क्योंकि आप सारा ज्ञान पाठ्य पुस्तक में कभी नहीं दे सकते, तो उसमें वो देना चाहिए जिसके आधार पर बाकी चीजें सीखी जाती, फंडामेंटल चीजें, पहली बात। दूसरी बात, पाठ्य पुस्तक इस तरह की होनी चाहिए जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत सारा अवसर दे, उसके अंदर वो अवसर हो। मतलब मुझे जिस व्यक्ति ने टीचर की ट्रेनिंग दी थी वो पाठ्य पुस्तकें लिखते थे, वो पाठ्य पुस्तकें क्लास में बैठे रह के आप कर ही नहीं सकते, उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, चीजें देखनी पड़ेंगी, लोगों से बात करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, वरना वो काम ही नहीं कर सकते आप उसके अंदर। तो पाठ्य पुस्तक को खुद पक्का राना बनना चाहता था, तो उन्होंने आने के लिए अपने बेटे को उदय सिंह के कपड़े पहना के कहा। और ये कहानी इसलिए नहीं होती है कि उसने समाज हित में किया, स्वामी भक्ति के नाम पर, स्वामी भक्ति। अब मान लीजिए कि राजस्थान की पाठ्य पुस्तक वसुंधरा जी के राज में, फॉर्चुनेटली अभी नहीं है वो, वसुंधरा जी के राज में कहती है कि स्वामी भक्ति सिखाओ और खासकर राजपूतों के प्रति, और ये कहानी है, और मुझे चौथी कक्षा 25 करोड़ भागीदारी तो निभा ही सकता। सो डेमोक्रेटिक सिटीजन सिर्फ देश का प्रजा नहीं होता, वो देश का क्रिएटर होता है, चाहे वो क्रिएटर का हिस्सा कितना भी छोटा हो। आपने संविधान को एक बार प्रीएम्बल को फिर पढ़िए, वी द पीपल, ये जो वी द भी कर सकते हैं ऐसा, इस पर हम लोग कई बार कार्यशालाएं करते हैं, आप लोग भी कुछ कार्यशालाएं करिए इस पर कि खराब पाठ से अच्छी शिक्षा कैसे दें। तो ये मतलब तो प्रश्न मुद्दे शंका जोड़ायचा असेल थोडायचा असेल निलेश निमत। हम अक्सर कौशल और ज्ञान में अंतर करते रहते हैं, हम अक्सर कौशल और ज्ञान वो कंटेंट छात्रों को पढ़ाना है, इसलिए मुझे